Assalamualaikum guys, welcome back to another video. It's your boy Dawood Ahmed. तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई फूड व्लॉग नहीं है या कोई चैलेंज वाली वीडियो नहीं है या कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक दो बात करना चाहता हूँ और बात मेरी इस मौजू पे है कि एक तो लाइफ के बारे में कि लाइफ बहुत छोटी है और दूसरा दोस्तों के बारे में कि ज़िंदगी में दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छे दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी इतनी छोटी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि बंदा कहाँ का कहाँ चला जाता है, समझ में नहीं आता। अब मेरी एक गली के हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हमारे दोस्त भी हैं, मेरा और उनका एज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये था कि हम क्रिकेट एक ही टीम में खेलते थे और हम स्नूकर वगैरह इकट्ठे खेलते थे और हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी। अब 2.5 से 3 साल पहले उनकी शादी हुई, फिर उनका माशाल्लाह एक बेटा है। उनके बेटा जब हुआ उससे थोड़ी देर बाद ना उनको ना एक बीमारी हुई, जो भी था वो मेडिसिन ले रहे थे। उन्होंने मेडिसिन लेते लेते को 5-6 माह जब गुजरे हैं ना तो उनको पता चला कि वो कैंसर था, वो कोई और बीमारी नहीं थी। कैंसर आप लोग जानते ही हैं। खैर उनके घर वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हर चीज़ में उन्होंने 6 से 6 डॉक्टर हायर किया, बहुत सारा पैसा लगा दिया। उन्होंने तकरीबन 1 साल और 3 से 4 माह सर्वाइव किया। अभी कल उनकी जो है ना वो गुजर गई, वो डेथ हो गई उनकी। देखिए कहने का मकसद ये है कि जब हम मैं और अब उमर जब जनाजे पे गए हैं ना तो हम दोनों ना एक परेशान हैरान एक दूसरे को देख रहे कि अभी तक हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये ऐसा भी हो गया कि एक अच्छा भला सेहतमंद इंसान, हट्टा कट्टा, वेल पर्सनैलिटी, एजुकेटेड, एडवोकेट थे वो पेशे से। तो इसको जरा गौर कीजिएगा, अब जानवर है इसको मैं कैसा समझूं। तो एक अच्छे वो एडवोकेट थे। अब मैं उमर को ये कह रहा हूँ कि देख यार कि कल को मैं या तू सामने लेटे हो सकते हैं और हमारा जनाजा पड़े होंगे। ये तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छी फैमिली है, वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करें ताकि आपको कल को जब आप गुजर जाएं तो आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। और दूसरी बात ये कि दोस्त ऐसा होना चाहिए जिससे आपको फैमिली वाली फील आए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो देख भी रहे होंगे जिन्होंने अपना दोस्ती के पीछे बहुत सारा टाइम ज़ाया किया है। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, कभी मुझे ये नहीं पता कि मैं अगला सांस भी लूँगा कि नहीं। दोस्त ऐसे बनाएं कि ये ना हो कि वो आपके कोई पैसे को ले गए या आपको कोई फेम को ले गए या ऐसी चीज़ जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको देख के आपका दोस्त हो। और कल को इन केस, क्योंकि लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, कल को वो चीज़ आपके पास नहीं रहती तो वो आपका दोस्त भी आपको छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसे दोस्त बिल्कुल ना बनाए, हरगिज़ ना बनाए, क्योंकि अप डाउन आते हैं और दोस्त नहीं काम आएगा तो कौन काम आएगा। बस ये दो बातें आपसे करनी थी मैंने। अच्छे दोस्त बनाए, अल्लाह को याद रखें और अच्छा टाइम स्पेंड करें, किसी के साथ ज्यादती ना करें, किसी का हक ना मारें, किसी को कभी डिग्रेड ना करें। अगर वो कोई एक अच्छा काम कर रहा है, अच्छा स्टेप ले रहा है, उसको सपोर्ट करें। कम आप सपोर्ट, ये नहीं कि कोई बंदा उसको कोई पैसे के मामले में सपोर्ट कर सकता है, बंदा उसको ऐसे भी कह सकता है कि यार चल हम तेरे साथ हैं, तू कोशिश कर। बस ये एक दो बात करनी थी। बाकी जिन जिन के पास ये वीडियो मेरी पहुँच रही है आपसे अपील है कि वो भाई के लिए दुआ करें, दुआएं मगफरत करें, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनकी मंजिलें आसान फरमाएं और उनके जो घर वाले हैं उनको सब्र दे। और बस ये एक दो बात थी। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, आपको भी हम दुआ में याद रखते हैं। और बस अल्लाह।